पता नहीं अब क्या कान भरे होंगे इस लड़की ने, अब क्या नया तमाशा होने वाला है। बताइए माँ जी, क्यों बुलाया है? अब किस बात को लेकर सिखाया बुझाया है इसने आपको? हमारे इटावा में कहावत है कि चुगली तो पत्थर भी फोड़ देती है, इंसान क्या चीज है, इसलिए आप इससे जितना बचकर रहेंगी उतना आपके लिए भी अच्छा है और हमारे घर के लिए भी। देखो बहू, इस घर की भलाई उसी में है कि घर में कोई मनमुटाव ना हो। मैं तो यही चाहती हूं और अगर तुम भी यही चाहती हो तो बड़ी अच्छी बात है। पूनम भी इस घर का बुरा नहीं चाहती है और वो जब तक यहां रह रही है उसे शांति से रहने दो। ऐसी कोई भी बात मत करो कि जिससे किसी का दिल दुखे और घर की शांति भंग हो। वाह माँ जी, ये लड़की आपकी इतनी सगी हो गई कि आपको मेरी हर बात गलत लगने लगी। मैं आपकी बहू इतने सालों से इस घर को संभाल रही हूँ, आपको मेरे अंदर कोई गुण नजर नहीं आता और इसके अंदर आपको गुण ही गुण नजर आते हैं। आपकी बहू आपके लिए गैर हो गई और ये लड़की जो यहाँ 6 महीने इस घर को होटल समझ के रहने आई है वो आपके लिए सब कुछ हो गई है। बहू, मैं तो तुम्हारे साथ भी सास बहू के प्यार की मिसाल कायम करना चाहती हूँ, पर क्या करो, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। और रही बात पूनम की, वो यहाँ 6 महीने के लिए रहे या 6 दिन के लिए, तब तक तो वो है इस घर की बहू ही ना। हमारे इटावा में कहते हैं, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मतलब इस लड़की की शादी ना तो हमारे परिवार की मर्जी से हुई है और ना ये हमारी परिवार की मर्जी से यहाँ रह रही है, जबरदस्ती की मेहमान है ये इस घर में। और आपने इसे इतनी जल्दी इतनी आसानी से इस घर की बहू मान लिया? सिर्फ बहू शब्द कह देने से कोई बहू नहीं बन जाता, उसके लिए बड़े बड़े इम्तिहान देने पड़ते हैं, घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, जैसे मैंने इस घर की जिम्मेदारी को उठाया है। ये क्या उठाएगी घर की जिम्मेदारी? और अगर इतना ही भरोसा है इस पर तो देखकर देख लीजिए, देख लीजिए एक दिन की बहू की जिम्मेदारी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर इसे अपनी नानी याद ना आई तो मेरा नाम भी कनिका गर्ग नहीं। और खुद ही सबको पता चल जाएगा इस 6 महीने की बहू के कसीदे में कितने सितारे जड़े हैं। बस बात को ज्यादा मत बढ़ाओ बहू, बहू घर की शांति की बात कर रही है और तुम होगी फिर शुरू होगी। नहीं माँ जी, बहू ने ऐसा कह दिया है तो ठीक है, मैं भी उसकी बात को मानती हूं। हम एक बार पूनम को जिम्मेदारी सौंप कर देख ही लेते हैं, फिर आप ही तय कर लीजिए माँ जी कि पूनम इस घर की बहू कहलाने की हकदार है या नहीं। मुझे नहीं लगता पूनम को इस बात से कोई एतराज होगा। क्यों पूनम, क्या कहना है तुम्हारा, उठा पाओगी घर की जिम्मेदारी? जी जैसा आप कहें। सब
पता चल जाएगा। इस घर की जिम्मेदारी उठाना कोई बच्चों का खेल नहीं। अब जो भी हो फिलहाल तय हो गया है। पूनम, तुम कल एक बहू की तरह इस घर को चलाओगी। सब कुछ तुम्हारे मुताबिक होगा। ये घर, घर वाले, सबकी जिम्मेदारी तुम्हारी। सारे फैसले तुम करोगे। हम सब वही करेंगे जो तुम कहोगे। कल के लिए तुम इस घर की मालकिन मालकिन। हम वो मालकिन। माँ जी, बस बहू, मैंने वही किया जो तुमने कहा, और बहस नहीं। पूनम, तुम्हें अगर कोई परेशानी हो तो सबके सामने बेझिझक कह दो। नहीं माँ जी, हमें कोई परेशानी नहीं है। बढ़िया इस घर की बहू बनने है। साड़ी पहननी तो आती नहीं, चली है इस घर की जिम्मेदारी निभाने। मैं भी देखती हूँ इस घर की कमान कैसे संभालती है। तुम पूनम के बारे में क्या सोचती हो ये सबको मालूम है, लेकिन अभी भी उस बात को दोहराने का क्या मतलब है? तुम्हारे सुझाए तरीके से ही पूनम की परख होने दो, उसका काम खत्म हो जाने दो, उसके बाद कहना जो कहना है वो, लेकिन तब तक तो घर में शांति बनाए रखो। और ये सब तुम्हारा ही कहा हो रहा है, इसमें खुद सहयोग तो करो। आपने जो जिम्मेदारी ली है वो अपनी खुशी से ली है ना? मेरा कहने का मतलब है कि किसी दबाव या मजबूरी में तो नहीं? ऐसी कोई बात नहीं। फिर तो मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि आपने हाँ कर दी। लेकिन देखिएगा, आप ये जिम्मेदारी खूब अच्छे से निभाएंगी। मेरी दादी कहती है कि एक अच्छी बहू वही है जो घर को संवारना जानती है, जो घर में सुख शांति का माहौल बनाना जानती हो, जिसके रहने से घर में खुशहाली छाई रहती हो, और जिसके चले जाने से पूनम जी, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाएंगे। और देखिए ना, आप लखनऊ में भी तो यही सब किया करती थी। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि वहां आपने ये सब बेटी बनकर किया है और यहां आप बहू के रूप में करेंगी। और देखिएगा, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। जिम्मेदारी संभालेगी, एक दिन की मालकिन बनना है। शहजादी साहिबा, जोश में आकर तुमने हाँ तो बोल दिया है, कल का दिन तो ढलने दो। रात होने से पहले पहले अगर तुम्हारी आंखों से गंगा जमुना ना बही तो हम भी
कहीं इटावा के नहीं। पूनम जी, अगर आपको फिर भी ये सब मुश्किल लग रहा है तो आप इसे इम्तिहान के तौर पर लीजिए। आप बस ठान लीजिए कि आपको इस इम्तिहान में पास होना है। हम पूरी कोशिश करेंगे, अगर हमारी वजह से इस घर की खुशियां लौट आए तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारी वजह से इतनी टेंशन हुई है इस घर में। पूनम जी, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। कन्नू भाभी की बातों को आप दिल से मत लगाइए। सबको मालूम है कि कन्नू भाभी हमेशा जली कटी बातें सुनाती रहती, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप इन सब बातों को भूल जाइए। आप अभी केवल ये ध्यान में रखिए कि आपको उस चुनौती का सामना करना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जीत आप ही की होगी। कल का दिन तुम्हारे लिए रोने का है और हमारे लिए हंसने का। तनु डार्लिंग, आप कहाँ चले गए थे? वो मैं किसी काम से गया था, लेकिन क्या बात है, तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो। लॉटरी का टिकट निकल गया क्या तुम्हारा? लॉटरी का टिकट तो आपकी माँ ने निकाला है, पूनम के नाम का, जिसका नतीजा कल आएगा, वो भी अखबार के पन्ने में नहीं, घर की चौखट पर। कन्नू डार्लिंग, तुम भी ना साफ साफ बताओ ना कि बात क्या है। तो साफ साफ सुनो, आपकी माँ ने पूनम को एक दिन की बहू की जिम्मेदारी दी है। नहीं नहीं नहीं, नहीं सॉरी, जिम्मेदारी नहीं दी है, इस घर की एक दिन की मालकिन बनाया है। तो कल पूरा दिन वही होगा जो वो चाहेगी। माँ जी ये देखना चाहती हैं कि पूनम इस घर की बहू कहलाने की हकदार है या नहीं। अब सही वक्त आया है, देखना कल पूनम को मैं खेल में कैसे हराऊंगी। अरे कन्नू डार्लिंग, तुम भी ना, और ये देखो तुम्हारी लिपस्टिक थोड़ी सी ठीक नहीं है, उसे ठीक कर लो, मैं अभी थोड़ी देर में आया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कल पूनम को कामयाब तो नहीं होने दूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।